हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो हाँ भाई, मैं फिर से एक बार आ चुका हूँ बहुत ही जबरदस्त खतरनाक सी वीडियो लेकर। क्योंकि भाई आजकल अपनी एसएमपी में बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही है। क्यों दिक्कतें चल रही है? क्योंकि भाई जितने अपने सारे दोस्त थे ना साथ में खेलने वाले, वो सारे के सारे अपने एनिमी बन चुके, अपने दुश्मन बन चुके, भाई जानी दुश्मन। क्योंकि भाई उन लोगों ने भाई बहुत बुरा हाल करा इस एसएमपी का, भाई सबके प्यारे से घर तोड़ दिया उन लोगों ने, जो सीक्रेट बेस थे भाई उन सबको भाई इन लोगों ने तोड़ दिया। और अपना मतलब जितनी भी चीजें बनाई थी ना यहाँ पे बहुत सारी मेहनत से भाई लाइव स्ट्रीम में, हर एक चीज उन लोगों ने तोड़ दिया। तो भाई उनसे भाई अपनी दुश्मनी छिड़ चुकी है और उस दुश्मनी के चक्कर में भाई रोज यहाँ पे लड़ाइयां हो रही है लाइव स्ट्रीम पे। भाई आ जाएगा तो वहां पे पता चल जाएगा भाई क्या क्या अपनी एसएमपी में होता है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो जिसने अभी तक लाइक नहीं करा है। बाकी जो लोग यार चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर लो मेरे भाई। और भाई आज अपने बनाने वाले हैं बहुत ही मस्त सा सीक्रेट बेस, क्योंकि भाई अपने को इस बेस की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि भाई यहाँ पे तो अपने को कुछ भी नहीं बचा इस एसएमपी में बनाने के लिए, क्योंकि भाई जहां पे ही बनाओ इन लोगों को पता चल जाता है और भाई जाके सब कुछ तोड़ देते हैं। और अपना जितना सामान है ना भाई सारा का सारा जा चुका है, मतलब बहुत सारी चीजें थी अपने पास, आर्मर था, बहुत सारी चीजें लेकर आए थे, बहुत सारा ग्राइंड कर रहा था, हर एक चीज को भाई इन लोगों ने तोड़ दिया है। और यहाँ पे दिखाओ तो भाई जो अपना कोट था ना भाई वो भी जाके टूट चुका है, और यहाँ पे लावा तो सब कुछ हटा चुके हैं। तो अपने को फिर से भाई दोबारा चीजें बनानी पड़ेगी। लेकिन अभी चल रही है एसएमपी में वॉर, तो वॉर के लिए भाई अपने को बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ रही है। क्योंकि अपने पास भाई सामान नहीं रहेगा, खाने का सामान नहीं रहेगा, तो सब कुछ मतलब वॉर में कैसे अपने सरवाइव कर पाएंगे। और कोर्ट का भाई हाल बहुत बुरा कर दिया, जिस जो भी लाइव स्ट्रीम में आता है भाई उसे पता होगा कि भाई कोर्ट में क्या क्या चीजें थी। यहाँ पे भी बॉक्स था, वहां पे भी बॉक्स था, मतलब दोनों तरफ बॉक्स वगैरह बने हुए थे, सारी की सारी चीजें तोड़ चुके हैं ये लोग। कोई दिक्कत नहीं भाई, इनसे बदला लिया जाएगा। यहाँ पे लावा था, लावा देख सकते हो, इन लोग लावा पी गए भाई, ये लोग इतने भूखे होते भाई लावा भी पी गए सारे के सारे लोग। कोई नहीं भाई, इनको अपने छोड़ने वाले नहीं है बिल्कुल भी। और जो मेरा घर था भाई, प्यारा सा घर, उस घर को भाई इन लोगों ने उड़ा दिया भाई। मतलब वहां पे इन लोगों ने भाई टीएनटी लगा दिया भाई, खतरनाक वाला। और पूरा का पूरा जो घर है ना भाई मेरा, वो पूरा का पूरा उड़ चुका है। तो एक बार चल के तुमको दिखा देता हूं भाई मेरे घर का इन लोगों ने क्या हाल करा है। भाई इनको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं बिल्कुल भी, क्योंकि अब भाई होगा वॉर, मतलब होगी वॉर खतरनाक वाली इस एसएमपी में। और भाई सबको मारेंगे भाई, सबका बेस तोड़ेंगे और सबको बहुत गंदी तरीके से मारने वाले हैं। और यहां पे था भाई मेरा प्यारा सा घर, जिसने नहीं देखा होगा बाकी जाके देख लेना वीडियो, पता चल जाएगा कितना प्यारा सा घर बनाया था मैंने यहाँ पे मस्त सा। और अपना ये रेलवे ट्रैक है जो आसमान से जा रहा है, और यहाँ पे भाई अपने सेंटा चाचा है जिनकी नाक फोड़ दी, आंख फोड़ दी और उनके छाती में छेद कर दिया, उनका दिल वगैरह सब निकाल लिया है। क्योंकि भाई इनसे भी दुश्मनी थी, क्योंकि हमने इसको बनाया था क्रिसमस के दिन, और वो क्रिसमस की लाइव स्ट्रीम बहुत ही मस्त थी, जाके देख लेना। और अपने चलता हूँ भाई जहां जहां पे मतलब चीजें बिल्ड करी थी अपनों ने ना भाई, उन लोगों ने सारी चीजें तोड़ दी है मेरे भाई। मतलब इतना गंदा कर दिया ना भाई इन लोगों ने, एसएमपी पूरी तबाह कर दी। इसी वजह से भाई अब लड़ाई हो रही है, जो अपने दोस्त थे ना भाई वो सारे के सारे अपने दुश्मन बन चुके हैं। तो भाई उनसे लड़ाई अब तो बहुत गंदी हो रही है। तो जल्दी से चलता हूँ भाई वहां पे, तुमको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या चीजें बिल्ड करी थी। तो जल्दी से चलो उस जगह पे जहाँ पे अपनी सारी चीजें अपनों ने बनाई थी। तो हम लोग आ चुके हैं भाई अपने जहाँ पे अपनी सारी चीजें बनाई थी उस जगह पे। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही मस्त सा भाई अपना आयरन फार्म था, मतलब इतना जबरदस्त काम करता था भाई ना कि मतलब मजा ही आता था। इसी यहाँ पे इतने सारे अपने को आयरन वगैरह मिलते थे भाई, ये सारी चीजें भी इन लोगों ने उड़ा दिए भाई, पूरी खत्म कर दिए। और यहाँ पे अपना भाई ऊपर टावर था जो सीक्रेट बेस था, यहाँ पे मतलब स्काई टावर बना रखा था, ये भी पूरा का पूरा तोड़ दिया। और वहां पे भाई अपना जो फार्म है मतलब एक्सी फार्म वगैरह समझ लो, वो भी भाई तोड़ दिया। और ये है भाई जेल, बस ये बची है जो भाई तोड़ नहीं सकते, इन लोगों को भाई सदियां लग जाएगी इस जेल को तोड़ने के लिए। तो भाई बहुत अच्छी बात है कि एक बंदे को अभी यहाँ पे जेल हो रखी है, जो है भाई डेडशॉट, उसको भाई जेल हो रखी है और भाई वो जेल से बाहर नहीं आ सकता। और उसे बचाने के लिए भाई इन लोगों को भाई आना ही पड़ेगा एसएमपी के अंदर, क्योंकि अपनों ने इनको एसएमपी के बाहर खदेड़ दिया है। जो बचाने के लिए भाई अपने दोस्त को बचाने के लिए भाई इनको आना ही पड़ेगा एसएमपी के अंदर। तो जैसे ही आएंगे भाई उनको भी कैद कर लेंगे इस जेल में, और भाई बुरी तरह उनको सजा देने वाले हैं भाई, बहुत गंदा टॉर्चर करेंगे। और वहां पे देख सकते हो एक पिरामिड है जो भी भाई थोड़ा सेव बचा हुआ है, इस पिरामिड को भाई ये लोग तोड़ने वाले थे। और भाई अपना जो इंडियन फ्लैग है ना भाई, उसको तो भाई कोई हाथ ही नहीं लगा सकता, क्योंकि भाई अपने देश से अपने को बहुत ज्यादा प्यार है। तो इस वजह से भाई इसको कोई भी नहीं तोड़ेगा, क्योंकि भाई कुछ भी क्यों ना हो, लड़ाई कितनी भी क्यों ना जाए, लेकिन अपने फ्लैग से भाई सबको बहुत प्यार है। इसलिए भाई देख सकते हो कितना मस्त भाई लहर मारा और कितना सही लगा हुआ है, मतलब खड़ा है। और यहाँ पे भाई अपना है जो एक्सपी फार्म वगैरह ना, इसको भाई इन लोगों ने तोड़ दिया, वहां से देख सकते हो भाई टूटा पड़ा और ऊपर काम बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। और वहां पे भाई फार्म था, ये वाला फार्म था, इस फार्म को भाई इन लोगों ने तोड़ दिया। और यहाँ पे भाई एक और फार्म था, इसको भी इन लोगों ने सबने तोड़ दिया। तो इन लोगों से भी बदला तो लेना बनता है। तो भाई अपने को करना क्या है, अभी जाना है भाई एक सीक्रेट
बेस बनाना है जहां पे अपना सारा का सारा सामान रखने वाले हैं, और उस सामान का भाई यूज करेंगे भाई नेक्स्ट वाली वॉर में जो बहुत ही जल्द होने वाली लाइव स्ट्रीम वगैरह पे। तो आ जाना भाई सब 9 बजे के आसपास अपनी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होती तो वहां आ जाए करो, और वहां पे भाई मजे करेंगे सारे के सारे। और बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा आजकल, बहुत ज्यादा मतलब लाइव स्ट्रीम में बहुत मजा आता है क्योंकि आजकल भाई सारे बंदे बस मतलब लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो एसएमपी है ना उसको तबाह कर दिया इन लोगों ने, इसी वजह से भाई यहाँ पे लड़ाई हो रही। तो भाई चलते हैं अपने सीक्रेट बेस की तरफ। अभी अपने को एक लोकेशन देखनी पड़ेगी जहाँ पे अपने को एक सीक्रेट बेस बनाना है, क्योंकि अपने एसएमपी में तो नहीं बना सकते, तो एसएमपी के बाहर ही बनाएंगे। मैं क्या सोचा, जो दूसरा वाला विलेज अपने उन्हें फाइंड करा था ना, दूसरा वाला विलेज, वहाँ पे जाके अपने उस बेस को बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सेफ रहेगा। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना भाई इन लोगों को सदियाँ लग जाएंगी, तो वहाँ तक ही आराम से पहुँच भी नहीं पाएंगे। और वो बेस कहाँ पे है मैं तुम लोगों चल के दिखा देता हूं कहां पे होने वाला है। तो मतलब तुम लोगों ने देखा होगा ट्रैक अपने ने यहां इसके पीछे बनाया था जहां से अपने जा सकते हैं उस विलेज तक। तो चलते हैं भाई उस ट्रैक की तरफ और चलते हैं भाई उस विलेज में, और वहां पे अपने पूरा बिल्ड करते हो सारा का सारा जो सामान है ना भाई। मैंने एक चेस में भाई 2-3 चेस है उसमें छिपा रखा है इन लोगों से बचा के, तो भाई उसको भाई अपने लेकर जाएंगे। और वहां पे और यहां पे क्या कर रखा है इन लोगों ने भाई, आराम से देख सकते हो भाई क्या ही गड्ढा करा भाई इन लोगों ने, भाई तोड़फोड़ मचा रखी है पूरा नीचे तक भाई, मतलब बेडरॉक तक इन लोगों ने पौधा का पूरा पहुंचा दिया गड्ढे को। तो चलते भाई यहाँ पे भाई टेक्नोबाई का पूरा घर था इसको भी तोड़ दिया यार, कितना गंदे तरीके से इन्होंने उड़ाया, पूरा का फ्लैट बनाया था मेरे लिए उन्होंने। तो यहाँ पे भाई इस पुल से भाई अपने जाएंगे उस विलेज तक, और इस विलेज में अपने बनाने वाले मस्त सा सीक्रेट हाउस। तो जल्दी से चलते फटाफट उस विलेज की तरफ, और आराम से यहाँ पे भाई इन लोगों का सीक्रेट बेस था भाई, और इस बेस को अपने बहुत गंदी तरीके से उड़ाया भाई जिसको पता होगा। तो आगे से चलेंगे, यहाँ से तो अपने जा नहीं सकते, तो जल्दी से चलते भाई उस विलेज की तरफ और वहां पे अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली यार हम लोग अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और फाइन बहुत देर लग गए भाई यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि ये विलेज जो है ना भाई बहुत ज़्यादा दूर है और यहाँ से तो अपने जा नहीं सकते। यहाँ पे अपनों ने भाई मस्त सा बना रखा है यहाँ से उतरने के लिए, ओके नीचे चलते हैं आराम से कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार जंप करेंगे तो उसके बाद नीचे पहुँच ही जाएंगे। ओके एक बार और आराम से, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे उतर सकते हैं, लैंडिंग अपनी बिल्कुल परफेक्ट हुई है, और ये जाने का रास्ता और ये उतरने का रास्ता है, और ये है भाई अपना दूसरा विलेज जहाँ पे अपने बनाने वाले हैं मस्त सा सीक्रेट बेस। और भाई किसी को पता भी नहीं चलेगा ऐसी जगह अपने बनाने वाले हैं, तो भाई वो चीज़ मैं दिखाऊंगा मतलब बाद में कि कहाँ पे बनाने वाले हैं। पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये दूसरा विलेज है जहाँ पे अपने लोग बहुत सारी चीज़ें करने वाले थे। एक ट्रेडिंग हॉल भी बनाया था यहाँ पे, जहाँ पे अपने बहुत सारे विलेजर्स वगैरह हैं जहाँ पे अपने ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ये वाला भाई वो वाला हॉल है जहाँ पे अपने ट्रेडिंग भी कर सकते हैं सभी के साथ। तो एक बार दिखा देता हूँ अपने को कहाँ से अपने अंदर जाना है, यहाँ से ये रास्ता भाई इसका अंदर जाने का, इधर से यहाँ कहीं से भाई यहाँ से तोड़ सकता हूँ क्या इसको, एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे शायद विलेजर्स हैं इसलिए मैं इसको तोड़ नहीं सकता, यहाँ पे आवाज़ देख रहा हूँ कितनी खतरनाक आ रही है। इधर से चल के देखता हूँ यहाँ से इसका रास्ता होगा मेरे ख्याल से। ओके आयरन गोलम भैया यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है, इनसे डर नहीं लगता मेरे को, क्योंकि अपने पास है मस्त सा आर्मर जहाँ से अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको ऑन करो। ओके ये रास्ता खुल चुका है, यहाँ पे देख सकते हो भाई ये है इसका रास्ता जहाँ से अपने अंदर आ सकते हैं, और ये है भाई अपना ट्रेडिंग एरिया जहाँ पे अपनी सभी विलेजर्स के साथ अपने ट्रेड कर सकते हैं। सबको भाई पकड़ पकड़ के यहाँ पे भाई बंद कर रखा है, और हर कोई भाई मस्त मस्त ओपी आइटम्स मतलब ओपी इंचार्टमेंट देता है जिससे हम अपनी इंचार्ट करके अपने आर्मर वगैरह को बहुत ही जल्दी भाई रिकवर कर सकते हैं, यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसको काम करो, बंद करो यहाँ से। ओके इसको बंद कर दिया, यहाँ से बंद हो चुका है। तो चलते हैं भाई उस सीक्रेट बेस पे सबसे पहले जहाँ अपने डिसाइड बनाने का, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा ना सीधे पहुंच के दिखाऊंगा कि कहाँ बनाने वाले, क्योंकि भाई अगर पता चल गया ना एनिमीज को कि यहाँ कहाँ बनाने वाले हैं तो भाई वो पूरा का पूरा बेस भी खत्म कर देंगे। तो जल्दी से अपने बेस के पास चलते हैं और बताने वाला हूँ कैसे अपना बनने वाला है, थोड़ा बहुत बताऊंगा उसके बाद भाई बनाना भी स्टार्ट करेंगे कैसे अपने बनाने वाले हैं। तो अपना जो भाई बेस होने वाला है यहाँ पे होने वाला है बिल्कुल मस्त जंगलों के बीच में, जो पता भी नहीं चलने वाला भाई कहाँ पे होगा, मतलब किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये बेस कहाँ होने वाला, भाई दिखाने वाला भी नहीं हूँ मैं भी कि आसपास का कौन सा एरिया है भाई, वरना पता चल जाएगा सबको कि कहाँ पे मैंने अपना ये मस्त सा अंडरग्राउंड बेस बनाया है। तो सबसे पहले अपने को चाहिए कि मैंने थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे ला के रख लिया था, क्योंकि अपने को इस चेस में सही सामान चाहिए था, मेरे पास एंडर चेस भी वो भी इसके अंदर डाल दिए, जैसे देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है। तो अपने को सबसे पहले भाई पिस्टन वगैरह चाहिए होगा तो इसको रख लेते हैं ऊपर, और ट्राइडेंट वगैरह का काम तो अभी नहीं है मेरे ख्याल से, तो एक काम करते हैं इन सबको नीचे रख लेते हैं, और कुल्हाड़ी का काम भी नहीं है, और अपने एक्स दो दो हैं तो इसको एक काम करता हूँ ऊपर रख लेता हूँ, जो
बाद में अपने काम आ जाएगा। बाकी रेड स्टोन डस्ट भी यहाँ पे रख लेते हैं, ये भी काम आने वाली है। और ये जो पिस्टन है ना भाई, इसको भी यहाँ पे रख लेते हैं। अपने थोड़ी बहुत अपने को डर्ट चाहिए होगी, तो एक काम करते हैं आस पास से थोड़ी बहुत डर्ट ले लेते हैं। वैसे अपने पास काफी अच्छी सवाल है, तो इससे मस्त वाली डर्ट अपने को मिल जाएगी, जिससे पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी डर्ट अपने लगाई है। तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले करना क्या है, ओके यहाँ पे मैंने तोड़ दिया, कोई नहीं यहाँ पे डर्ट लगा दूंगा मैं। ओके यहाँ पे डर्ट लगा देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं काम करता हूँ ना, यहाँ पे डर्ट भी फिल कर देता हूँ और आस पास ना ऐसे करके बना देता हूँ, ताकि कोई किसी को पता भी ना चले कि यहाँ पे कोई सीक्रेट बेस टाइप का भी है। तो एक काम करता हूँ, इसको तोड़ा यहाँ से, ओके यहाँ पे तोड़ दिया। मेरे को करना क्या है ना, सबसे पहले यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको भी फिल कर देता हूँ, ठीक है ये भी हो गया। मेरे को करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लॉक तोड़ना है, यहाँ पे ओके यहाँ पे एक ब्लॉक तोड़ लेता हूँ मैं, ठीक है यहाँ पे एक ब्लॉक तोड़ लिया। अपने को यहाँ पे लगाना है एक मस्त सा लीवर लगाना है, एक लीवर काम करता हूँ उल्टा तो लगा दिया, एक काम करता हूँ ऐसे लगाता हूँ, तो एक ओके ये हो गया, लीवर ऐसे काम करेगा, ठीक है ओके ये लीवर को बंद कर देते हैं। उसके बाद अपने को करना है क्या, यहाँ से एक ब्लॉक इसको तोड़ो, ओके दो तोड़ना है मेरे को, एक और तीन, एक काम करता हूँ एक दो तीन और एक ये तोड़ लेता हूँ, चार, ये चार हो चुका है, ठीक है। अपने को करना क्या है, यहाँ पे ऐसे लगाना है रेड स्टोन डर्ट लगानी है, यहाँ पे एक काम करता हूँ यहाँ से लगाता हूँ एक दो तीन चार, तो यहाँ से एक काम करेगा, एक काम करता हूँ देख चेक कर लेता हूँ, ओके यहाँ से ऑन करने पे काम करेगा, बहुत ही मस्त काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद एक इसको तोड़ लेता हूँ, मैं काम करता हूँ पीछे होकर, एक एक इसको रुको यार, इसको तोड़ लेता हूँ जल्दी से फटाफट तोड़ लेता हूँ, दो तीन, एक काम करता हूँ ये नीचे भी गड्ढा हो जा रहा है यार, क्योंकि यार सवल बहुत ही खतरनाक है, मेरे पास नॉर्मल सवल तो है नहीं, तो इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं अपने पास। अभी अपने को एक और चीज़ चाहिए, वो लेकर आना पड़ेगा, मुझे लग रहा है वो विलेज में ही है, तो उसको लेकर आते हैं, क्योंकि अपने को चेस में नहीं रखा, अपने को अपने वहाँ पे भी काफ़ी सामान रखा है अपनों ने, तो उसको भी लेकर आता हूँ जल्दी से, उसके बाद भाई अपना आगे काम कंप्लीट करते हैं। ओके मैं यहाँ पे रेड स्टोन रिपीटर लेकर आ चुका हूँ, जो अपने को यहाँ पे लगाना है, काम करता हूँ इसको भी तोड़ लेता हूँ, क्योंकि इसको भी तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना जो बेस होने वाला बहुत ही ज्यादा खतरनाक, मतलब बहुत ही खतरनाक बिल्कुल सीक्रेट होने वाला। तो काम करता हूँ इसको यहाँ पे लगाता हूँ, दो तीन, और अपने को यहाँ पे एक लगाना और रेड स्टोन पे यहाँ पे एक लगा देना, ये चार हो गया। इसको बाद में भाई अपने फिल कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको भी यहाँ पे एक डर्ट लगा दो यहाँ पे, ठीक है, इसको भी पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ पे एक डर्ट लगा दो, ओके यहाँ पे भी डर्ट लगा दो एक, ऐसे ही पता नहीं चलना चाहिए। और यहाँ पे अपने को लगाना है एक स्टिकी पिस्टन लगाना है यहाँ पे, इसको तोड़ो, एक काम करता हूँ सबसे पहले इसको तोड़ लेता हूँ, ओके ये भी टूट चुका है। और अपने को यहाँ पे लगानी है डर्ट, यहाँ पे डर्ट लगाते हैं, और इसको सामने ही मेरे को रिपीटर लगाना है, यहाँ पे काम करता हूँ ना, यहाँ पे पिस्टन लगाना है ऐसे सामने से, ओके पिस्टन हो चुका है, दो तीन और ये चार, ये चार पिस्टन अपने हो चुके हैं मस्त वाले। और अपने को करना क्या है, अब बस इसको करना क्या है, यहाँ से लीवर को ऑन करके देखना है वर्किंग है या नहीं है, ओके लीवर वर्किंग है, ठीक है ठीक है, ये ठीक है, ओके मुझे करना क्या है अब, सबसे पहले यहाँ से जो सामने है ना, यहाँ पे मुझे ऐसे ही नीचे गड्ढा करना है, जो अपना सीक्रेट बेस है ना भाई, उसके लिए अपने को गड्ढा करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे तोड़ लेते नीचे तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से अपना मस्त नीचे सीक्रेट बेस बनाएंगे, ओके यहाँ पे कर दिया इसको गड्ढा मस्त वाला। और अपने को करना क्या है, यहाँ पे ऐसे इसको आगे तक लेकर आना है, इसको भी ऐसे करना है, ताकि किसी को पता ना चले भाई ये अपना मस्त सा खतरनाक सा बेस होने वाला है। तो एक काम करो, इसको भी यहां पे तोड़ लो, ओके जो अपना अंदर और बाहर का जो दरवाजा भाई बंद करने का है ना भाई, उसको अपनों ने बना दिया है मस्त तरीके से भाई, अंदर से भी बंद कर सकते हैं, बाहर से भी बंद कर सकते हैं। अब भाई पता नहीं चलने वाला भी कैसे भाई ये दरवाजा ओपन हो गया, काम करो ओपन हो जा भाई, ओपन हो जाए, क्यों ओपन नहीं हो रहा है, रुक जा ओपन हो जा मेरे भाई, सही से करना पड़ेगा, रुक जाओ आराम से ऊपर करना पड़ेगा, ओपन हो जा भाई, कहाँ हो गया, हो गया क्या, हो गया, ओके हुआ नहीं, बंद नहीं हुआ, आराम से करता हूँ, रुक जाओ बैठ के करूंगा, हो जा भाई मेरा, हो जा, अच्छा खाना खाने के लिए कर रहा है ये, ठीक है मुझे खाना खाने के लिए कर रहा है, तो एक काम करता हूँ इसको ऐसे बंद करना पड़ेगा। अरे 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 भाई 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 बंद हो चुका, ओके बंद हो चुका यहाँ पे, ओके ये दरवाजा भाई देख सकते हैं यहाँ पे बंद हो चुका, पता भी नहीं चल रहा भाई कैसे खुलेगा ये। तो अपने को अंदर जाके भाई एक बार दिखा देता हूँ कि अंदर से कैसे अपने इसको बंद करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, यहाँ पे एक अपनी एक डंडी आ रही है, बस नेटवर्क आ रहा है अपनी SMP में, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा गंदा नेट चल रहा है आज। तो एक काम करता हूँ ऊपर चलो, ऊपर चलो, यहाँ से भाई बंद करके पहले देख लेते एक बार, ओके बंद हो चुका है, ये खुल चुका है। तो अपने यहाँ से आएंगे सीधे अंदर, और यहां से भाई जो बटन दिख रहा है लीवर, इस लीवर को करेंगे नीचे, और यहां पे देख सकते हो भाई अंदर और बाहर से भाई दोनों का बंद करने का जुगाड़ कर लिया है। और अपने ने थोड़ा सा यहां पे नीचे स्ट्रक्चर बनाया, एक खुफिया भाई दरवाजा बनाया है, जहां से अपने अंदर जाके अपना सामान और अपना चेस्ट वगैरह रख सकते हैं। और यहां पे भाई कुछ लगा दूंगा मैं, और ये है भाई अपना वो खुफिया दरवाजा। तो इसे देखो ऑन करते भाई, ये ऑन हो जाएगा, तो एक काम करता हूं ऑन कर देता हूं भाई, ऑन हो जा भाई, ऑन हो जा भाई, ऑन हो जा भाई, ओके ये ऑन हो चुका है यहां पे देख सकते हो। और
यहाँ से भाई अपने अंदर जाएंगे सीधे यहाँ पे, इस जगह पे जाएंगे और अपना बेस बनाने वाले हैं। तो इसको पहले सबसे पहले जो ये पूरा एरिया है इसे कॉन्क्रीट व्हाइट कॉन्क्रीट से करने वाले हैं और बेड वगैरह लगाएंगे और थोड़ा बहुत डेकोरेट करेंगे। और अपना ये प्राइवेट जो सीक्रेट बेस है भाई बहुत ही खतरनाक भाई, किसी को पता नहीं चलने वाला है। काम करता हूँ, दरवाजा बंद कर देता हूँ। ओके अरे भाई दरवाजा बंद करना था भाई, ब्लॉक नहीं लगाना था मुझे। ओके दरवाजा बंद कर देता हूँ। ओके यहाँ से दरवाजा, अरे भाई बंद हो जाए यार, क्या क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है। एक काम करता हूँ, इसको इधर देखो। नहीं क्या था ये भाई, था क्या ये, नहीं था क्या ये। एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसे हटाओ और अपनी सारी चीज़ें भाई इन्वेंट्री में ऊपर सारे सामान रखना, खाली पूरी जगह पड़ी हुई है तो इसको वहां से क्यों नहीं करते मेरे भाई, क्यों नहीं करते। ओके अरे यार मैंने दूसरे हाथ में लालटेन क्यों पकड़ रखी है यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, इसे तोड़ो। ओके ये खुल चुका है, उसके बाद इसको कर देते हैं बंद यहाँ से। ओके ये बंद हो चुका और पता भी नहीं चलने वाला। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है, आसपास का जो इलाका है ना इसको तोड़ के भाई अपने को करना है कंक्रीट में कन्वर्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे कंक्रीट वगैरह लगा दिया जाए, उसके बाद थोड़ा सा बहुत अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जल्दी जल्दी से ये वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं और अपना काम भाई जो अपना स्ट्रक्चर है ना भाई, ये नीचे का भाई जो अपना हिडन बेस है ना उसको भाई बनाना स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे भाई अपना जो सीक्रेट बेस का भाई अंडरग्राउंड वाला जो सबसे सेफेस्ट वाला रूम है भाई वो रेडी हो चुका है और थोड़ा बहुत डेकोरेशन बाकी है। और डेकोरेशन मैं अभी कर दूंगा, मेरे पास थोड़े बहुत फ्लावर पॉट भी रखे हुए हैं तो यहाँ पे लगा दूंगा। और यहाँ पे मेरे को चेस वगैरह भी लगानी है अंदर वाले में। और यहाँ पे देख सकते हो भाई यहाँ पे बेड मैंने क्यों लगाया, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो, अब देखो भाई इसका कमाल, अब भाई पता चल रहा है यहाँ पे कोई डोर भी है यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा, इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक मस्त वो लगा रखा है ताकि किसी को पता भी ना चले यहाँ पे कोई भाई रास्ता सीक्रेट रास्ता है। और यहाँ पे मैं रखने वाला एक लालटेन ताकि किसी को शक ना हो यहाँ पे बिल्कुल भी। और मैं यहाँ पे भी एक लालटेन लगा देता हूँ ताकि यहाँ पे उजाला रहे मस्त सा पूरे के पूरे अंदर बेस के अंदर अपने। और यहाँ पे भी लगा देता हूँ। और ये एंट्रेंस तो भाई मस्त सा है ही है भाई, इस एंट्रेंस का कोई किस कहना ही नहीं है। और मेरे को थोड़े बहुत फ्लावर पॉट्स वगैरह भी चाहिए जो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फ्लावर पॉट्स काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। तो एक काम करता हूँ, फ्लावर्स भी मेरे पास काफ़ी हैं तो इसको भी ले लेता हूँ और थोड़े बहुत डेकोरेशन कर देता हूँ। एक काम करता हूँ मैं यहीं पर लगा देता हूँ, ओके अंदर वाले अपने बेस में लगाता हूँ ना वो ज़्यादा सही रहेगा। तो एक काम करता हूँ मैं इसको ऊपर रख लेता हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे फ्लावर पॉट्स हैं। और इसको मैं अपने बेस को ओपन कर देता हूँ यहाँ से। ओके आ जा भाई, ऑन हो जा। ओके यहाँ से ऑन हो चुका है। तो मेरे को करना क्या है, सबसे पहले फ्लावर पॉट्स को यहाँ पे रखो, इसको भी यहाँ पे रखो, इसके अंदर एक मस्त से गमले के अंदर भाई फूल डालो। ओके फूल चले जा भाई, इसके अंदर फूल चला गया। ओके ठीक है, यहाँ पे भी चला गया है। और मैं यहाँ पे भी एक रखने वाला हूँ, मेरे को चेस वगैरह भी लगानी है यहाँ पे। तो एक काम करता हूँ, चेस वगैरह भी यहाँ पे लगा दूंगा, दो चेस यहाँ पे हो जाएंगी। और इसके बीच में भाई मैं चेस रख दूंगा। तो यहाँ पे फ्लावर पॉट्स को भी डेकोरेट कर देता हूँ ताकि काफी अच्छा लगे अपना सीक्रेट बेस। और यहाँ पे फ्लावर पॉट्स भी रखने वाला हूँ मैं नीचे। और यहाँ पे भाई चेस वगैरह नहीं रखने वाला हूँ, बस फ्लावर पॉट्स रखने वाला हूँ ताकि बस डेकोरेशन के लिए भाई। ये देख रहे हो डेकोरेशन भाई काफी मजा आता है, इसलिए मेरे को ये सारी चीजें पसंद है। और मैं अंदर रखने वाला हूँ मस्त सी दो चेस। तो चेस अपने को इसके अंदर पड़ी हुई है, दो चेस यहाँ पे पड़ी हुई है। और अपना जो सामान है सारा का सारा मैं उस सामान को शिफ्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक फर्नेस भी है मैंने जो बनाई थी। और यहाँ पे मैं बेड लगाने वाला था जो मैंने बेड लगाया नहीं। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले जहाँ पे भी बेड लगा लेता हूँ भाई, दो बंदे तो आराम से सो ही सकते हैं यहाँ पे। और वॉर होती है भाई, कोई लड़ाई वगैरह होती है तो बेस में आके भाई दो बंदे तो आराम से सो सकते हैं। तो एक मैं चेयर यहाँ पे लगाने वाला हूँ। ओके बेड मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ लगा दूँ ताकि पता भी ना चले यहाँ पे किसी को। ओके मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ ना इसके बगल में बेड नहीं लगाऊंगा, इसको बेड को तोड़ो यहाँ से। ओके बेड को मैं यहाँ लगाने वाला हूँ इधर। और मैं यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दूंगा, ये देखो ये वाला ब्लॉक लगा दूंगा ताकि किसी को पता भी ना चले यहाँ पे कुछ है भी। और यहाँ पे मैं फ्लावर पॉट बाद में रख दूंगा। तो अभी इसको तोड़ने वाला हूँ मैं, इसको यहाँ पे रखने वाला नहीं हूँ ताकि, क्योंकि अपने को अंदर जाना है भी यहाँ से तो उसको पता भी नहीं चलेगा रास्ता कहाँ पे है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे चेस वगैरह तो मैंने ले ही लिए, तो अंदर चल के भाई थोड़ा बहुत सामान रख देते हैं। चेस वगैरह में अपना सामान भर देंगे अंदर, क्योंकि अपना सारा सामान अभी ऊपर रखा हुआ है तो अपना वहाँ पे बिल्कुल भी सामान सेफ नहीं है। तो एक काम करता हूँ, ट्राइडेंट वगैरह तो मेरी है ही यहाँ पे, और एंडर चेस भी पड़ी हुई है। एक काम करता हूँ, एंडर चेस को भी यहाँ पे कहीं पे लगा देता हूँ। एक काम करता हूँ, इसके जस्ट बगल में लगा देता हूँ। ये काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे, डेकोरेशन में काफ़ी मज़ा आ रहा है। और एक अपने पास फर्नेस भी पड़ी हुई, तो फर्नेस को भी यहाँ पे लगा देता हूँ, ये ज़्यादा सही लग रहा है। तो फर्नेस के अंदर मेरे पास कोल पड़ा हुआ है क्या? ओके कोल मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो कोल मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ओके मेरे पास काफ़ी कोल पड़ा हुआ है अपने मतलब इसमें बॉक्स में काफ़ी
सारे कॉल हैं चेस के अंदर, तो कॉल को लेके चलो अपने अपने फर्नेस मतलब अपने सीक्रेट बेस के अंदर और यहाँ पे कॉल को डाल दो। ओके कॉल अपना हो गया, यहाँ पे खाने वाने का सारा सामान अपने पास हो ही जाएगा और जो सामान है ना अपना सीक्रेट बेस में जो ऊपर चेस में रखा वो जाके ले आता हूँ। सबसे पहले काम करो तो इसको ओपन करो। ओके अपना भाई क्या ही मस्त सा मौसम हो रहा है, मैं दिखाने वाला नहीं हूँ मेरा बेस किधर है और जितना सामान है चेस से पहले मैं काम करता हूँ निकाल लेता हूँ। ओके मेरे पास काफ़ी सामान है यार, देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सामान है और जितना आर्मर वगैरह है ना वो सारा मैं लेके आने वाला हूँ और इस चेस को भाई तोड़ने वाला हूँ क्योंकि इस चेस को यहाँ पे नहीं रखने वाला हूँ। अगर पता चल गया भाई किसी को यहाँ पे मेरा सीक्रेट बेस है तो भाई सब बहुत गंदी वाट लगने वाली है। एक काम करता हूँ इससे तोड़ता हूँ ना, इसको यहाँ पे रखो। ओके इसको तोड़ते हैं जल्दी से, इसको अंदर लेके चलते हैं और यहाँ पे अपने लगा देते हैं मस्त ढक देते हैं इसको और अंदर से ही अपने बंद करेंगे और अंदर से ही अपने खोल देंगे मतलब बाहर से खोल देंगे। अपने पास डर्ट पड़ी हुई है क्या? ओके अपने पास डर्ट नहीं है, काम करता हूँ सबसे पहले एक डर्ट का ब्लॉक लेता हूँ ताकि पता ना चले भाई किसी को यहाँ पे। ओके डर्ट का ब्लॉक अपने को मिल जाएगा क्या? मेरे पास इन्वेंट्री खाली है क्या? ओके इन्वेंट्री को इसको फेंक देता हूँ, मेरे पास डर्ट का एक ब्लॉक चाहिए बस। ओके एक ब्लॉक से काम हो जाएगा मेरे ख्याल से। ओके इसको नीचे रखो, इसको नीचे रखो। ओके यहाँ से एक ब्लॉक से काम हो जाएगा, इसको रखना क्या ऐसे बस। अब पता नहीं चलने वाला किसी को भाई यहाँ पे कुछ है भी, तो यहाँ से चलता हूँ मैं ऐसे घूम के जाऊँगा ताकि किसी को पता ना चले भाई आसपास क्या है यहाँ पे। ओके यहाँ पे खुला हुआ, मैं नीचे चलता हूँ जल्दी से। ओके अपने इस लीवर को अपने सीक्रेट बेस को भाई बंद करो जल्दी से और अपने किसी को पता नहीं चलने वाला ये सीक्रेट बेस है कहाँ पे। तो यहाँ पे अपना नीचे आते भाई क्या ही जन्नत मस्त नज़ारे हैं। तो अपने सबसे पहले चलते भाई सारा सामान अपना सीक्रेट मतलब जो हाउस बना रखा है इसमें मस्त सब सीक्रेट बेस में डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें अपने को ज़रूरत है, बहुत सारी ज़रूरत है, इसको भी रखो। सारी चीज़ों को भाई अपने रखने वाले हैं, जो एक्स्ट्रा सामान है उन सबको रखने वाले हैं क्योंकि आने वाले टाइम पर सारी चीज़ें काम आने वाली हैं वॉर में, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो लाइक कर दो जिसने अभी तक लाइक नहीं करा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो यार, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो इसको एक काम करो, इसको भी ऊपर रखो, खाने का सामान मेरे पास है ही और सारा का सारा वैसे डेकोरेशन का काम हो ही गया। एक काम करता हूँ थोड़े बहुत फ्लावर पॉट यहाँ पे भी लगा देता हूँ, फ्लावर पॉट्स यहाँ पे भी लगा देता हूँ, काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पे है ना। यहाँ पे तो लगा हुआ है, बाहर लगाया था मैंने, लगाया था ओके यहाँ पे लगाया था। एक काम करता हूँ दो यहाँ पे रख देता हूँ, उसके बाद इसके अंदर डाल देता हूँ मैं फूल वगैरह, दो फूल पड़े हुए मेरे पास। ओके यहाँ पे लगा देता हूँ, अच्छा लग रहा है, काफ़ी सही लग रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे लगाना चाहिए था लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे भी लगा देंगे और यहाँ पे काफ़ी सही लग रहा है। मतलब आप लोगों को बताओ ये बेस कैसा लगा, मतलब इतना सीक्रेट बेस आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताओ, अंदर वाला कैसा लग रहा है ये भी बताओ। जब इसको बंद कर देंगे ना भाई यहाँ से, देख सकते हैं यहाँ से जैसे ही बंद करेंगे ना भाई पता चल जाएगा भाई किसी को पता नहीं चलने वाला कि यहाँ पे कुछ है भी, देख रहे हो किसी को पता नहीं चलेगा यहाँ पे कोई अपना बेस भी है और यहाँ से आएगा बंदा वापस भी चला जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा, तोड़ेगा भी इधर उधर तो पता नहीं चलने वाला क्योंकि यहाँ पिस्टन इसके अंदर लगी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कैसा लगा कॉमेंट करके बताओ आप लोग कैसा लगा अपना सीक्रेट बेस और क्या क्या करेंगे वो भाई वीडियो में आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा। और इस बार वॉर में भाई इस सीक्रेट बेस से भाई सारा सामान अपना यहाँ पे रखेंगे और भाई किसी को छोड़ने वाले नहीं है, जितना सामान अपना लूटा है सब कुछ लूट के लेकर आएंगे और यहाँ पे अपने रखेंगे और जो इतने बंदे अपने साथ वाले सब इसी बेस में रहेंगे और इस बेस को बड़ा भी करेंगे ताकि किसी को पता ना चले और यहाँ पे आराम से रह भी सकते हैं। और तो कॉमेंट करिए बताओ भाई ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों, अच्छी लगी तो कॉमेंट कर देना, लाइक कर देना और जो लोग यहाँ चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर देना भाई। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैंने देखा भाई 90% लोग भाई सब्सक्राइब नहीं करते, इतनी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप लोगों से मिलता हूं भाई नेक्स्ट वीडियो में।